गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस वर्मा। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वीडियो। मेरी करवा चौथ शॉपिंग है ये, और आज डेट है, पहले डेट बता देती हूँ आपको। आज है 2 नवंबर और दिन है आज मेरे ख्याल, हाँ दिन है आज सोमवार। दिन भी भूल जाते हैं, तो दिन है सोमवार। और यहाँ पर मैंने हेयर ऑयलिंग की हुई है, और ऐसे ही मैं लगभग मार्केट जा रही हूँ, मार्केट के सारे काम ऐसे ही कर रही हूँ। एक कल मैंने ये ऑयल लगाया था, ऑलिव ऑयल लगाया हुआ है बालों में, तो वॉश करना है, अभी करना है। अभी टाइम हुआ है 11:30 का टाइम है, और अभी मैं मार्केट से ही हूँ। मतलब अभी नहीं, 10:30 बजे, 10 बजे तक हम आ गए थे मार्केट से। और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सूट की शॉपिंग और वैसे शॉपिंग मैंने काफ़ी देर से करनी शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ कुछ सामान रहता था जो मैंने आज अपना कंप्लीट किया है, पर फिर भी रहते रहते थोड़ा बहुत रह जाएगा तो मैं कल ले आऊँगी। ਹਵਾਈ ਦੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਹਵਾ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਮੇ ਖੜੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? इधर करी मू, आ देखो जी बंटे खेल दी पई है। आ कोई उम्र है ते बंटे खेलन दी? ओए बंटे दा कोई टाइम नहीं हुंदा, बच्चे दा आपा मान दे, चलो खेल दे, चंगे लगदे है। तो मैं बच्चा ही था। आ न्याणे दा मुंह देखो यार। मैं तो छोटू सा कूत सा बच्चा हूं। और मैं छोटा सा ताना लगा के दिखा, ताना ला इधर इधर लग गया, लगा ताना यार। ए यस, इन्ने बंटे दे विता ताना लगेगा जी। सारे बंटे चक दो, एक बंटा रख यार, एक बंटा विच ला दू। ना दीदी ने देखिया मेरा की बंटे, कुछ नहीं कहने आ न्याणी बनी फिरदी है। मम्मी एक वाइट बंटा मेनू दई जरा, आ वाइट बंटा, वाइट बंटे के साथ बताती मैं। नीला ओला फिर से मुझे आ गया आरुष, ये क्या कर रहा तू? ला वाइट बंटा दे, वाइट बंटा दे दे। ले ओ आरुष दे, ओ
बच्चा बनके देखना बहुत मजा आता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास क्या क्या है इस टाइम, तो आप बता देना। मैं सर्गी के टाइम, सर्गी के टाइम तो मैंने डिसाइड किया हुआ मैंने क्या पहनना है। वो रेड सूट है, वो स्टिच करने दिया हुआ है सिस्टर को, तो वो स्टिच हो चुका है, वो मैं पहनूंगी, वो कल लेके आऊंगी वहां से जाके। तो पहला है ये वाला, ये शरारा सूट है, और शरारा सूट है ये, इसका कलर है जैसा मतलब इसमें दिख रहा सेम टू सेम वैसा ही है, ये वाइन कलर का है शरारा, और बहुत ही हैवी है और सिपी वर्क है इसमें। तो ये है इसका शर्ट, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका शर्ट है कुछ ऐसा, यस इसका शर्ट है कुछ ऐसा, और ये है नीचे से कुछ इस टाइप में फ्रॉक है, फ्रॉक टाइप, और ये है फर्स्ट, और सेकंड है वो भी शरारा है लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, वो श्रग के साथ है, और ये है सेकंड, ये है इसका शरारा, ये भी वाइन कलर है बट ये डार्क वाइन है, ब्लैकिश में आता है वाइन। तो ये है शरारा, और इसके साथ ये ब्लाउज है मेरा, ये ब्लाउज है इसका, और इसके साथ है ये श्रग, ये वाला श्रग। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा था जब वहां पे मैंने देखा ना मार्केट में, मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये झट से ले लिया, लेकिन अभी घर आके मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं। और थर्ड है ये साड़ी, ये है साड़ी, मतलब ये साड़ी नहीं, ये ब्लाउज है, और इसकी स्टिच की हुई साड़ी है, दिखा देती हूँ आपको, ये इसकी स्टिच की हुई साड़ी है, और बिल्कुल सिंपल है ये, जैसे मतलब बिल्कुल सिंपल, सिर्फ स्टिच की हुई है। और इसके साथ कुछ अच्छा सा मैचिंग सा मैं आपको दिखाती क्या था जो मुझे देखते ही साड़ी पसंद आ गई। इसके साथ ये है तो मुझे देखते ही साड़ी पसंद आ गई, ये है कुछ ऐसे, पीछे से अटैच हो जाएगा और आगे से ऐसा आ जाएगा, इस पर सेट वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये है ऐसे, तो मुझे देखते ही साड़ी पसंद आ गई, बहुत प्यारी लगी इसलिए मैंने झट से ले ली। इसको मैंने पॉलीथीन में रखा है ताकि इसकी जो है शाइनिंग वो कम ना हो जाए, इस तरह के पैकिंग में मैंने रखा हुआ है। सो गाइस मुझे आप बता देना कमेंट करके मैं कौन सा पहनूँ, मतलब कौन सा पहनूँ, करवा चौथ वाले दिन। और ये है रेड सूट के साथ की मैचिंग रेड कलर की बैंगल्स, और मैं आपको दिखा दूँ मैंने इसमें चूड़ी बना दी है, सेट बना लिया है। ये है वाइन कलर में, और ये गोल्डन कलर की मैं लेके आई हूँ, इसके साथ मैचिंग कर देंगे हम लोग, इसके साथ मैचिंग कर देंगे, चूड़ा बन जाएगा, मतलब बढ़िया सा सेट बन जाएगा। और ये है मेरी साड़ी के साथ मैचिंग सिल्वर, ये सिल्वर कड़े मैं अभी लेके आई हूँ, और ये गोल्डन कलर के भी मैं सेट अभी लेके आई हूँ, ये सिल्वर कलर का सेट भी मैं अभी लेके आई हूँ, और इसके साथ मैंने पहले ही मैचिंग करके रख दिया, सेट बना के रख दिया। तो ये वाला है और ये वाली है, ये बहुत ही प्यारा सेट लग रहा था मुझे, गोल्डन और सिल्वर मैंने ले लिया झट से, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो ये लेके आई थी मैं, और बिंदियों के पत्ते लेके आई थी जो कि नहीं थे मेरे पास, ये वाला मैं बिल्कुल छोटी छोटी बिंदी लगाती हूँ, अभी भी लगी हुई है मेरे। तो ये रेड कलर और ये वाली सिंपल बिंदी लेकर आई हूँ, और ये है प्राइमर लेके आई हूँ, किस ब्यूटी का प्राइमर है, और मॉइस्चराइज़र नहीं था मेरे पास तो मॉइस्चराइज़र भी लेके आई हूँ, वो अंदर ही पड़ा रह गया, कोको का है और पिंक कलर की बॉटल है। और ये रबड़ बैंड लेके आई हूँ, रबड़ बैंड, और क्या लेके आई हूँ, सेफ्टी पिंस, बहुत ज़रूरत पड़ेगी साड़ी में। और है ये वैसे ही लिए हैं, अच्छे लग रहे थे बस। और क्या लिया मैंने, और ये मैंने लिया है लाइनर, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ लाइनर, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, जेड ब्लैक लाइनर है ये, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, पहले लगा हुआ है, मैं आपको रब करके दिखा देती हूँ, देखो ये लैक्मे 9 to 5 का है, लैक्मे 9 to 5 9 to 5 द रूड अवेकनिंग आई शेडो पैलेट 35 कलर है इसमें,
तो सारे कलर्स बहुत ही प्यारे हैं, अमेजिंग। मैं आप सबको दिखा देती हूँ ऐसे ट्राई करके। ये है ब्लैक कलर, वाओ कितना प्यारा ब्लैक कलर, देख रहे हो आप, बहुत अच्छा है। और इसके कलर बहुत ही प्यारे हैं, और दिखा देती हूँ आपको ये भी, ये देखिए गाइस, अच्छे कलर हैं, इसीलिए मैंने ये ऑर्डर किया है। ये देखो गाइस कितना प्यारा हाईलाइटर है, बहुत अच्छा है। अगर आपको भी न्यूड कलर चाहिए तो ये आप ज़रूर मंगवाइए, बहुत अच्छी किट है ये, बहुत अच्छी पैलेट है ये। तो गाइस मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली करवा चौथ के लिए, आप सबको अगर दिखाने बैठूँ तो कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये। तो सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती आप सबको पसंद आएगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं कौन सी ड्रेस कब पहनूँ और कौन सी पहनूँ। आप कमेंट करके बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे मतलब डिसाइड करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप बता देना। सो गाइस मैं चलती, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।